हेलो गाइस, सबसे पहले दोस्तों आप सभी भाइयों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वोमेन्स आईपीएल का दोस्तों मैच नंबर 6, जो कि दोस्तों गुजरात वोमेन और आरसीबी वोमेन के बीच दोस्तों ये मैच आज शाम 7:30 बजे दोस्तों ये मैच दोस्तों बारबोना स्टेडियम में खेला जाने वाला है। तो आइए जानते हैं कि इस मैच में हमारी ड्रीम इलेवन की टीम क्या रहेगी, हमें कौन कौन से प्लेयर स्मॉलिंग में दोस्तों लेने होंगे, और दोस्तों इस मैच में हमारे लिए कौन कौन से प्लेयर देखो एक ट्रंप कार्ड सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। और अगर दोस्तों अभी तक के मैच की बात कर ले तो दोस्तों दोनों ही टीम दोस्तों देखो अपनी लास्ट मतलब दोनों मैच हार के आ रही है, गुजरात भी हार के आ रही है और दोस्तों देखो आरसीबी हार के आ रही है, ठीक है। तो देखो डेफिनेटली दोस्तों दोनों के प्लेइंग 11 में दोस्तों आपको कुछ ना कुछ दोस्तों अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपको होते हुए दिखने वाले हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इस मैच की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, प्लस में दोस्तों हमारे लिए देखो दोस्तों कौन कौन से प्लेयर देखो हमारे लिए एक टारगेट प्लेयर रहने वाली, ठीक है। तो मेरे भाई वीडियो को एंड तक देखना, और भाई वो आप यार देखो वीडियो को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। एटलीस्ट यार मतलब यार मिनिमम 200 व्यूज भी हमारे यूट्यूब वीडियो पर नहीं आ रहे हैं, तो भाई देखो फिर से गिव अवे लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर दोस्तों देखो 200 व्यूज आने स्टार्ट होते हैं तो फिर दोस्तों आपके लिए ₹500 का देखो यार गिव अवे भी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई देखो सपोर्ट करो, सपोर्ट समर्थन मिल जाए तो भाई वो देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो देखो वीडियो को लाइक कर लो, प्लस में देखो वीडियो को अपने दोस्तों यारों तक दोस्तों देखो शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का दोस्तों मेन चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो भाई मेरे देखो यहाँ से जुड़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और दोस्तों इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से जाकर सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों देखो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, और दोस्तों यहां पर आपको लगभग सभी स्पोर्ट्स की टीम दोस्तों देखो सब कुछ फ्री में मिलती है, ठीक है। कोई भी आपसे हम लोग प्राइम का फ्री या फिर कोई भी दोस्तों हम लोग आपसे छोटा मोटा चार्जेस भी नहीं लेते हैं, यहां पर आप खेलो और दोस्तों आप देखो यहां पर खेलकर काफी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों देखो ज्वाइन कर लो, ठीक है। दोस्तों ये मैच नंबर 6 रहेगा। डेट एंड टाइमिंग की बात करूं तो दोस्तों ये मैच 8 मार्च शाम के 7:30 बजे बारबोना स्टेडियम जो कि मुंबई में ये मैच वहां पर खेला जाने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों देखो जो इस पिच की खासियत है कि दोस्तों यहां पर मतलब स्ट्रॉन्ग बॉलिंग वाली टीम ही जीतती है, क्योंकि दोस्तों जो इनकी बाउंड्री है काफ़ी छोटी रहती है, और दोस्तों कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर आपको देखो बड़े बड़े स्कोर भी आपको इजीली बनते हुए दिखने वाले हैं इस मैच में भी, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर टोटल मैच दोस्तों 27 मैच हुए हैं, जिसमें से दोस्तों बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 14 बार मैच विन किया है और सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने दोस्तों यहाँ पर 13 बार मैच को जीता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको दोनों ही टीमें देखो मतलब दोनों ही बार यहाँ पर आपको रेशियो देखो बिल्कुल इक्वल दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब बॉलिंग स्ट्रॉन्ग जिसकी दोस्तों बॉलिंग स्ट्रॉन्ग रहती है देखो वो टीम यहाँ पर इजीली आपको देखो विन करते हुए दिखने वाली है, ठीक है। अगर एवरेज स्कोर की बात कर लूँ तो गाइस यहाँ पर 180 का राउंड दोस्तों आपको एक बार फिर से रन बनता हुआ दिखने वाला है इस वोमेन आईपीएल भी, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं कि दोनों टीमों में क्या कुछ चेंजेस होने वाला है, और अगर कुछ चेंजेस होने भी वाला है तो दोस्तों वो चेंजेस क्या रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात वोमेन्स की प्लेइंग 11 दोस्तों देखो यहाँ पर इनकी जो कैप्टन थी बेथ मोनी दोस्तों देखो वो तो पहले ही छोटे कारण बाहर हो गई, ठीक है। अगर बाय चांस वो फिट होती है, जो कि गाइज अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं आया है, तो दोस्तों देखो आपको टॉस के बाद वो अपडेट देखो आपको आपके पास पहुंच ही जाएगी, ठीक है। अभी के लिए दोस्तों यहाँ पर एस मेघाना और वो दोस्तों यहाँ पर सोफिया डंकली दोस्तों देखो दोनों ही ओपनिंग करने आएंगी नंबर 3 पे। सुषमा वर्मा जो कि टीम के विकेट कीपरिंग भी करेंगे दोस्तों, और इन्होंने 2 मैच में टोटल 9 रन ही बनाया, ठीक है। देन गाइज यहाँ पे एसले गार्डनर जो कि दोस्तों इनके टीम के मेन प्लेयर रहेंगी, 2 मैच में केवल 25 रन और दोस्तों इन्होंने 1 विकेट लिया। तो दोस्तों आपके लिए देखो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोस्तों ये आपको करके देने वाली है प्लेयर देखो यार काफ़ी सही है। देन गाइस यहाँ पे हरलीन दियोल 2 मैच में 46 रन, लास्ट मैच में दोस्तों इन्होंने 46 रन स्कोर किया था, और गाइस देखो ये भी यार देखो मतलब ठीक ठाक बैटिंग कर लेती है। देन गाइस यहाँ पे एनिवल सुथरलैंड 2 मैच में 14 रन और दोस्तों इन्होंने 2 मैच में केवल 1 ही विकेट लिया, और दोस्तों देखो मतलब यार ये भी देखो टीम के मेन प्लेयर ही हैं, बट दोस्तों अभी तक इनका ना ही बल्ला बोला और दोस्तों ना ही इन्होंने कुछ बॉलिंग से कुछ अभी तक खास किया, ठीक है। देन गाइस यहाँ पे अश्विन राणा जो कि टीम के दोस्तों अभी के लिए फिलहाल के लिए कैप्टन है, 2 मैच में दोस्तों इन्होंने 2 विकेट लिया है और दोस्तों इन्होंने 2 मैच में 10 रन ही बनाया। तो दोस्तों देखो अभी तक यार बैट से तो इनके कोई भी देखो बैट्समैन अभी तक कुछ बड़ा स्कोर नहीं किया है, अगर यहाँ पर लास्ट मैच में हरलिन दियोल को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। जाना कैसे यहाँ पे डी हेमलता 2 मैच में 50 रन, दोनों मैच में दोस्तों ये नॉट आउट रही थी, बट दोस्तों देखो इनकी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे आती है, ठीक है। तो गाइज आप अपने स्मॉलिंग में तो देखो मैं इन्हें ट्राई करने की हिदायत नहीं दूंगा। देन गाइज यहाँ पे किम ग्राथ 1 मैच में 5 विकेट जो कि दोस्तों लास्ट मैच में ही आई थी, और देन गाइज यहाँ पे मानसी जोशी 2 मैच में दोस्तों केवल 1 विकेट, देखो बैटिंग ये ज़्यादा करती नहीं है। अगर वोमेन की बात कर लूँ तो इन्होंने केवल 2 ही मैच खेला है और दोस्तों 2 मैच में इन्होंने दोस्तों 1 विकेट लिया है, ठीक है। देन गाइज यहाँ पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर दोस्तों तनुजा कनवर
दो मैच में केवल एक विकेट। तो दोस्तों ये रहेगी आपकी गुजरात की प्लेइंग 11 जो कि दोस्तों आपको बेंगलोर के सामने यार देखो ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप अपने जो अगर आप ड्रीम 11 की टीम क्रिएट कर रहे हो तो दोस्तों आप अपने टीम में बेंगलोर को दोस्तों एक फेवरेट टीम मान के आप चल सकते हो, ठीक है। देन गाइस अगर यहाँ पर बात कर ले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्मृति मंधाना टीम के कैप्टन और दोस्तों सोफिया डिवाइन आपको दोनों ही प्लेयर आपको देखो ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं। भाई देखो दोनों ही देखो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, अगर चलेंगे तो भाई देखो ये अकेला ही आपको ये इजिली रन बना के मतलब दे सकते हैं। बट दोस्तों आरसीबी का यहाँ पर हार्ड लक बोलेंगे कि दोस्तों वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी देखो परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। नंबर तीन पे आपको हैदर नाइट जो कि टीम की मेन प्लेयर रहेंगे, दो मैच में दो विकेट प्लस में 34 रन। दोस्तों लास्ट मैच में दोस्तों इन्होंने मतलब गोल्डन डक हुई थी, 0 रन पे आउट हुई थी। देखा जहाँ पे दीसा कश्यप दो मैच में 9 रन, लास्ट मैच में दोस्तों देखो ये भी मतलब उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। और दोस्तों अगर चेंज होगा तो यहाँ पर दीसा कश्यप को दोस्तों देखो यहाँ पर चेंज किया जा सकता है D1 क्लर्क के जगह पर, ठीक है। देखा जहाँ पे एलिसा पेरी दो मैच में 44 रन प्लस में, अभी देखो दोस्तों देखो इन्होंने भी विकेट नहीं लिया। और गई देखो अभी तक ये भी बॉलिंग से देखो कुछ खास परफॉर्मेंस इन्होंने कुछ किया भी नहीं है। देखा जहाँ पे इनके विकेट कीपर बैट्समैन दो मैच में 30 रन रिचा घोष, और देखो ये यार इजीली बड़ी बड़ी शॉट यहाँ पर लगा सकती हैं। और गाइस देखो यहाँ पर कनिका ओझा दो मैच में 22 रन, और दोस्तों अभी तक इन्होंने बॉलिंग भी नहीं की है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रीति बोस टीम के स्पिनर दो मैच में दोस्तों केवल उन्होंने एक ही विकेट लिया है जो कि लास्ट मैच में आया था। देन कहीं यहाँ पे इनके स्टार बॉलर मेगा स्क्रूट दो मैच में दोस्तों अभी तक इन्होंने विकेट नहीं लिया, बट दोस्तों देखो यहाँ पर इन्होंने इजीली रन भी बनाया है, पहले मैच में 30 रन और दूसरे मैच में दोस्तों इन्होंने 20 रन बनाया। तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं दोस्तों ये बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों से पॉइंट करके दे रही है, ठीक है। फिर कहीं यहाँ पे देखो श्रियंका पाटिल एक मैच में अभी तक इन्होंने विकेट नहीं लिया, बट दोस्तों इन्होंने लास्ट मैच में ही जो कि न्यू आई थी उन्होंने 23 रन का स्कोर भी किया था, ठीक है। और देन इनके मेन बॉलर रेणुका सिंह ठाकुर जो कि दोस्तों इन्होंने भी दो मैच में अभी तक विकेट एक भी नहीं लिया। तो दोस्तों इनके मेन हारने की मतलब वजह क्या है कि दोस्तों इनके दोनों मेन बॉलर हैं रेणुका सिंह ठाकुर और दोस्तों मेगन स्कूट जो कि देखो अभी तक इन्होंने बॉलिंग से कुछ उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो गाइस ये तो रहेगी आपकी दोनों टीमों की फुल प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे लिए ड्रीम 11 में दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन का दोस्तों सिलेक्शन कौन कौन सी प्लेयर रहेंगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सेफ ऑप्शन जो कि गाइस यहाँ पर स्मृति मंधाना, एशले गार्डनर, एलिसा पेरी और हैदर नाइट रहेंगी जो कि दोस्तों आपको अपनी स्मॉल लीग टीम में दोस्तों देखो आप इन प्लेयर के साथ आप देखो जा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए मेन प्लेयर दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एलिसा पेरी और गाइस यहाँ पर एशले गार्डनर और हैदर नाइट दोस्तों ये तीन प्लेयर रहेंगे जो कि आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोस्तों देखो दोनों करके देंगी। अगर रिस्की ऑप्शन की बात करें तो फिर दोस्तों आप यहां पर रिचा घोष, सोफिया डंकली और गाइस यहां पर गुजरात के कैप्टन स्नेह राणा को दोस्तों आप इन तीनों प्लेयर को देखो आप अपने रिस्की ऑप्शन लाइक जीएल में या फिर दोस्तों आप देखो मिनी जेल में देखो आप ट्राई करना कैप्टन और वाइस कैप्टन के बेस पे, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि हमारी स्मॉल लीग की ड्रीम 11 की टीम क्या रहने वाली है। तो गाइस अभी के लिए हमारी प्री फाइनल टीम दोस्तों आपके इंटरफेस पे आप चाहो तो दोस्तों अभी से ही देखो अपनी कॉन्टेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, वो भी दोस्तों हेड टू हेड में 3 मेंबर में और 4 मेंबर जैसे कॉन्टेस्ट में दोस्तों आप अभी से ही देखो इस टीम के साथ देखो कॉन्टेस्ट करना स्टार्ट कर लो, ठीक है। दोस्तों मैंने अभी के लिए देखो बैटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर किया है क्योंकि दोस्तों जो ये पिच है ना वो गाइस दोस्तों इस पिच पे देखो रन स्कोर करना काफ़ी इजीली रहता है कि दोस्तों यहाँ पर देखो काफ़ी इजीली रन आती है। तो दोस्तों देखो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पर बैट्समैन पे देखो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर किया है। बाकी दोस्तों देखो यहाँ पर दोनों टीमों की यार देखो बॉलिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो दोस्तों यहाँ पर आरसीबी की बॉलिंग, तो कहीं देखो मैंने यहाँ पर आरसीबी के दोनों बॉलर लिए हैं। बाकी दोस्तों इस पिच पर आपको देखो स्पिनर देखो विकेट लेते हुए दिखाई देंगी, तो आप देखो यहाँ पर एलिसा पेरी को भी देखो आप अपनी टीम का दोस्तों कैप्टन या वाइस कैप्टन देखो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों फाइनल टीम आपको टॉस के बाद जैसे ही टॉस होती है और दोस्तों जैसे ही लाइन अप आता है दोस्तों आपको सारा का सारा अपडेट और दोस्तों आपको फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों मिल जाएगी। अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस उसका लिंक वीडियो को दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर सिंपली आप देखो टेलीग्राम चैनल को दोस्तों देखो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी यार देखो वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों देखो वीडियो को लाइक कर दो, प्लस में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस देखो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि दोस्तों आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके, ठीक है। बाकी अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दोस्तों आप सही भाई को देखो बेस्ट ऑफ लक।